बोलो भैया, मुझे कोई फायदा नहीं लग रहा है जेई एडवांस लिख के। अब मेंस का एग्जाम ठीक ठाक हो ही गया है तो कोई ना कोई एनआईटी तो मिल ही जाएगा ना। अब वापस से पूरा महीना पढ़ाई करो, पेपर्स लगाओ, एग्जाम दो, रिजल्ट का वेट करो और रिजेक्ट हो जाओ। इतनी मेहनत का क्या फायदा? अब मेंस सही गया है तो एनआईटी भी मिल जाएगा। एनआईटी भी तो अच्छे होते हैं ना? हाँ बढ़िया होते, पर तुम्हारे रूम पे किसका पोस्टर है? पोस्टर? पोस्टर होगा ना किसी का, रणबीर, ऋतिक, विराट, कुछ तो लगा होगा। शाहिद कपूर का। शाहिद कपूर? वो तो दीदी मिलना मुश्किल है, ऐसे का लगा लो ना जो मिल जाए। नहीं ना, लड़कों में छोटा एम नहीं करना, पर लाइफ में करना है। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन सपने कभी सच होते भी हैं? कभी नहीं, रेयरली, ओकेजनली। अब सपने देखोगे तो टूट ही जाएंगे। इनफैक्ट आईटी तुम्हें से किसी का सपना होना भी नहीं चाहिए। एक तो वर्ड यूज करना छोड़ो तुम लोग, सपना, इसे यूज करने का मतलब है कि पहले ही मान चुके हो। कुछ होना जाना तो है नहीं, देखने की चीजें देख ली। एम बोलना शुरू करो, एम। सपने देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं। अब एम बोलोगे तो चीजें डूएबल लगेंगी, फिर अगला सवाल आएगा, रास्ता क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, क्या करना है। आईटी मेरा एम है। मीना जल्दी सीख जाता है, खोल भाई से। एम बड़ा कर लिया ना तो पूरे मोहल्ले परिवार को पता चल जाता है, और पूरा नहीं हुआ ना तो ये चाची आंटियां ना बातें और बनाती हैं। अरे भाई बड़ा एम करो, फाइट मारो, और नहीं हो तो धड़ल्ले से बोलो जेई एडवांस में रिजेक्ट हुई, डर किस चीज का है? आईटी इसलिए एम मत करो कि उसके बिना लाइफ नहीं है। सुंदर पिचई, अरविंद कृष्णा अगेंस हैं, सत्य नडेला नहीं भी है। और आईटी इसलिए मत करो कि वहां पढ़ाते अच्छा है, पढ़ाने वाले मिल जाएंगे हर स्कूल कॉलेज में। आईटी इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में।